हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर कस्टम रूम विद द फीनोम वाइटी। आज हम खेलने वाले मैप वीकेंड ही। हाँ, हम डिफरेंट मैप्स भी खेलना चाहेंगे क्योंकि एक ही से फिर एंगल क्या ही तो हम खेलेंगे। तो आज हम डिफरेंट मैप खेल रहे हैं वीकेंड ही। 43 पीपल है गाइस हमारे साथ। आज बीसी लोग नहीं आ पाए, टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जा रहा था, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मुझे तो इसी टाइम पे करना था अपना। तो टोटल 43 पीपल देयर इन द लॉबी गाइस। आप न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए मुझे और क्या इंप्रूव करना है। अगर आप मेरे से टच में आना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्कॉर्ड पर आ सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कस्टम खेलना है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइज अपने अपने घरों पर रहिए, स्टे सेफ, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड विथ योर लव्ड वंस एंड स्टे एट होम। आइए हम मैप की तरफ चलते हैं। प्लेन पाथ जा रहा है यहाँ पे गाइज, एक सेकेंड, टर्वनो से मिलनार की तरफ है। आई गेस, हाँ गाइज मिलनार की तरफ है ये। हमें दिख सकता है कैसल, विला, टोवार यहाँ पे जो हॉट ड्रॉप से, कैसल जो यहाँ की हॉट ड्रॉप है, विला भी हॉट ड्रॉप है, डाइनो पार्क भी हॉट ड्रॉप है, ये सब आपकी सीमेंट फैक्ट्री भी है, ये सब यहाँ लाइन पे ही है। सर ये 12 टीम्स है गाइज। आज थोड़ी टीम कम है क्योंकि टाइम का इशू, जैसे मैंने आप सभी को कहा वो थी, तो बट कुछ किया नहीं जा सकता था। 12 टीम्स है गाइज, 43 पीपल है। हम देखना चाहेंगे फाइट हमें देखने मिलेगी, ये रूम जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। और कैंपिंग, जैसा कि हमें पता है कैंपिंग तो बहुत ज़्यादा ही होने वाला है यहाँ पे, तो हम देखना चाहेंगे कि क्या होता है गाइज यहाँ पे। आइए हम देखते हैं यहाँ, हम स्ट्रॉम शीरा की टीम को, टीम नंबर 3 को हम देख रहे हैं, माफिया स्ट्रॉम शीरा डार्क बैटमैन की टीम को। उन्होंने ड्रॉप लिया है कैस पोडवोस्टो की तरफ गैस। मीरा मार बोल रहा हूँ सॉरी। वीकेंडी मैं खुद इतना नहीं खेलता हूँ तो मुझे इसकी ड्रॉप लोकेशन इतनी अच्छा से पता नहीं है, बट हाँ मुझे तो पता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इनके पास कोई नहीं उतरा गैस, एकदम खाली है इनके पास ये स्क्वाड, आराम से यहाँ पे लूटेगी पोडोस्ट की तरफ में। और सारी टीम्स गैस यहाँ आजू बाजू, टीम नंबर 21 एंड टीम नंबर 11 आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। उन्होंने यहीं पर ड्रॉप लिया है, बहुत क्लोज है एक दूसरे के। हम देखना चाहेंगे क्या ये फाइट ले पाते हैं टीम नंबर 11 से, कौन फिनिश ऑफ होता है यहाँ जल्दी, हम देखना चाहेंगे। यहाँ दो टीम्स है, इतने छोटे एरिया में दो टीम्स, मज़ा आता है गैस क्योंकि हमें पता है फाइट गैस ये विला की तरफ उतरी है। यहाँ मैक्स की टीम हमें, मैक्सस की टीम हमें यहाँ पे दिख रही है, मैक्समस है शायद ये, यस गैस आई एम राइट, यहाँ ये मैक्समस की टीम है जो बहुत ही क्लोज है यहाँ पे विला की तरफ उतरी है। वह टीम नंबर 21 नेक्सस वर्सेज मैक्समस, हमें देखने में मज़ा आएगा गैस, यहाँ फाइट होगी, मज़ा आएगा गैस। 12 टीम्स है, जोन बना है एकदम अपर रीजन की तरफ गाइज, किसी को ही फेवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टीम नंबर 20 डार्वी की टीम है जो वोल्नोवा की तरफ उतरी है। रजत देव की टीम है वो तो वाइनरी की तरफ उतरी है, एकदम ही दूर, आई डोंट नो ये इतना ही दूर, हाँ आई एम सॉरी गाइज, प्लेन पाथ तो यहीं था तो ये जा ही सकते थे, कोई इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ ब्लैकिनो की टीम है, टीम नंबर 7 के पास मुझे कुछ शॉट्स देखने को मिल रही है गाइज। टीम नंबर 7 के साथ कौन उतरी है यहाँ पे, कोई नहीं, आई गेस कोई मिस फायर हुआ है उनसे यहाँ पे, यस गाइज ये मिस फायर था यहाँ पे, तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है हमें यहाँ पे। मुझे प्लेन सुनाई दे रही है, आई गेस या तो किसी ने फ्लेयर मंगाया है या फिर कोई एयर ड्रॉप आने वाला है, बट हमें उससे क्या है, हम तो देखना चाहेंगे कि ड्रॉप में क्या आया है बस यहाँ पे, तो हम देखना चाहेंगे ड्रॉप कहाँ होता है। एंड इन्हीं के पास है तो आई गेस ये फ्लेयर है, यस आई वाज राइट गाइस, इतनी अर्ली स्टेज पे अगर कोई ड्रॉप मंगाए तो समझ जाना वो फ्लेयर ही है। अच्छा दो फ्लेयर मंगाया गया है गाइस यहाँ पे, नाइस। टीम नंबर टीम नंबर 7 के पास गाइस दो फ्लेयर है, मज़ा आने वाला है, इन्हें तो बहुत अच्छी लूट मिलने वाली है अभी यहाँ पे गाइस, तो हम देखना चाहेंगे कि इनको क्या ही तो मिलेगा यहाँ लूट में। ओम विथ M249.300 की मैग्नम की एमओ है जो कि ओम की एमओ होती है, 105.56 स्नाइपर सप्रेसर, मिलिट्री वेस्ट लेवल 3 हेलमेट एंड मेडकिट है एक ड्रॉप में। एंड सेकेंड ड्रॉप हम देखना चाहेंगे गाइज कि सेकेंड ड्रॉप में क्या आया है इनके पास, दोनों ही ड्रॉप इनके पास है गाइज, इनको तो अच्छी खासी लूट मिलने वाली है। सेकेंड ड्रॉप में इनके पास आया है MK14 विथ 7.62 की एमओ, OG83 विथ 5.5 की एमओ, एक्सटेंड क्विक ड्रॉ स्नाइपर एंड लेवल 3 के गियर्स है एंड गिली सूट डार्क ब्राउन वाली।
तो नाइस गाइज, इनके पास अच्छा है यहाँ पे लूट गाइज। हम जैसे कि देख सकते हैं टीम नंबर 21 एंड टीम नंबर 11 एक साथ थी, बट अब टीम नंबर 11 वहाँ से आई गेस अपना लूट करके निकल चुकी है, वो जा रही है टीम नंबर 6 टीम नंबर 12 के पास में, जो एकदम क्लोज है एक दूसरे से। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं फाइट हो सकता है गाइज। आई एम सॉरी गाइज, मैं ड्रॉप बंद करना ही भूल गया यहाँ पे, आइए हम ड्रॉप को बंद कर देते। अरे अरे ड्रॉप भाई तू रुक, आइए हम यहाँ देखते हैं टीम नंबर 6 को हम यहाँ देखना चाहेंगे गाइज। इन ये उतरी कोई माइन की तरफ, यहाँ पे फाइट ली जा चुकी है। टीम नंबर 6 के बंदे यहाँ पे शॉट्स ले रहे हैं, मुझे लगता है टीम नंबर 12 के बंदे के अगेंस्ट। यहाँ बहुत ही क्लोज है, ब्रावो इज लाइक स्टक आई गेस यहाँ पे, ब्रावो नॉक हो चुके बेचारे। ये सो अकेले ही बचे थे एंड वो यहाँ पे फंस के नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 12 उन पर रश कर चुकी है एंड उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बच ही नहीं सकते। यहाँ पे ब्लैकिनो अंदर घुस रहे, ब्लैकिनो FPP मोड में खेल रहे गाइस यहाँ पे, विच इज़ वेरी नाइस। अब वो TPP कर चुके हैं, FPP बहुत लोग खेल पाते हैं बहुत लोग नहीं खेल पाते हैं, वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है खेलने का। जैसे मैं नहीं खेल पाता हूँ FPP, मैं सिर्फ काउंटर स्ट्राइक ही खेल पाता हूँ, पता नहीं क्यों PUBG में खेल ही नहीं पाता हूँ FPP मोड में। तो सबका अपना अपना कॉल होता है उसमें, बट बहुत लोग हम देखे FPP मोड में बहुत अमेजिंग गेम खेलते हैं गाइस। 43 पीपल थे, एक अर्ली स्टेज पर फिनिश ऑफ हो चुके हैं बेचारे ब्रावो टीम नंबर 6 के। तो अब उनकी टीम के सिर्फ 3 ही बंदे बचे हैं। यहाँ पे ब्लैक इनो एंड सेल्वेशन किंग आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, हम देख सकते हैं एकदम सामने वाले घरों में ही है। सेल्वेशन किंग यहाँ पे लेट चुके हैं, विंडो से थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई दिख जाए यहाँ पे। गाइज टीम नंबर 7 के पास 2 एयर ड्रॉप है, 2 फ्लेयर के ड्रॉप है, अमेजिंग लूट है यहाँ पे। हम सेल्वेशन किंग हम सुन सकते हैं गाइज, नीड खोले है सेल्वेशन किंग ने शायद एंड इज ट्राइंग टू थ्रो नेड्स। यहाँ पे टीम नंबर 6 के बंदे टीम नंबर 12 के ऊपर शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक इनो यहाँ पे रोटेट ही कर रहे हैं, वो अपना लोकेशन देना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ शॉट्स लिए जा रहे हैं बट कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहे अपने किल। यहाँ पे मैक्सिमस की टीम हम देख सकते हैं, फ्यूरी साहिल यहाँ घर के ऊपर चढ़ के बैठे हैं गाइज। फ्यूरी साहिल के एकदम सामने ही है स्ले सोनू की टीम, मैंने यहाँ नीचे से शॉट लिया गया भाई ब्लैक इनो स्ले सोनू की टीम के ऊपर, T4 तुषार के ऊपर शॉट्स लिया गया एंड उन्हें डैमेज भी बहुत ज़्यादा मिला है। यहाँ पे फ्यूरी साहिल इज इन गुड लोकेशन बट वो यहाँ पीक नहीं दे रहे, मैक्सिमस की टीम इनके बहुत पास में ही है। फ्यूरी साहिल इतने लॉन्ग रेंज में ये मोनोटॉफ थ्रो करेंगे, एंगल मिलेगा इन्हें हम देखना चाहेंगे। नहीं गाइज उन्हें एंगल नहीं मिल रहा था इसलिए उन्होंने अपना नेट कैंसिल कर दिया। ब्लैक इनो के पास अभी भी सेल्वेशन किंग है एंड यहाँ अभी भी शॉट्स लिए जा रहे हैं गाइज, बट कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहा अपना किल, कोई पुश नहीं कर रहे। सेल्वेशन किंग ने यहाँ शॉट लेने की कोशिश की है वो ब्लैक इनो के ऊपर एंड ब्लैक इनो को एक दो डैमेज भी पड़ा है, हम देखना चाहेंगे क्या होता है यहाँ पे। सॉरी गाइज एंड यहाँ पे ये मैक्सिमस की टीम टीम नंबर 6 के पीछे से आ रही है, मैक्सिमस की टीम टीम नंबर 6 के पीछे से आ रही है एंड टीम नंबर 6 को बैकस्टाब मिलने वाला है, वो बेचारे सैंडविच होने वाले हैं और उन्हें ही पता ही नहीं है। मैक्सिमस की टीम यहाँ सेफ होने की कोशिश कर रही है, वो देखना चाहती है पहले कि बंदों की लोकेशन कहाँ है फिर वो रश करेंगी, वो ऐसे अंधा रश नहीं करना चाहती है किसी के ऊपर। यहाँ डार्क विशाल डेथ सीकर से नॉक होते हुए हम देख सकते हैं गाइस, ये फाइट कहाँ चल रही है मैप में हम देखना चाहेंगे जल्दी। डेथ सीकर यहाँ फिनिश ऑफ हो चुके हैं, डेथ सीकर की पूरी टीम ही डेथ एरो यहाँ पे गाइस। टीम नंबर 8 हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइट चल रही है इनकी टीम गाइस, वो पूरी स्क्वाड एक इन्होंने पूरी एक स्क्वाड को ही वाइप आउट कर दिया है यहाँ पे गाइस, तो विच इज़ नाइस गाइस। यहाँ पे फाइट चल ही रही है अभी भी, डाक विशाल ये रहा टीम नंबर 4 यहाँ पे अभी भी है गाइस। 2 टीम वाइप आउट हो चुकी है अर्ली स्टेजेस पे, 14 टीम्स थी गाइस, ओनली 12 टीम्स आर अलाइव नाउ, कोई सोलो आए थे आई गेस। डाक विशाल की टीम है कहाँ पे, हंटर एंड BRT अंकित पीछे है, वो कवर नहीं देने आ रहे अपने टीममेट को यहाँ पे। आई गेस उनका एक का आई गेस उनका एक का लॉस हो चुका है, यस गाइस ऑक्टोनो मर्सी का यहाँ पे लॉस हो चुका है, इसलिए उनकी टीममेट उन्हें कवर नहीं देने आ रहे, वो चाहते नहीं कि एक और का लॉस हो जाए। यहाँ डेथ सीकर यहाँ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, डेथ सुप्रीम अपने डेथ एरो को यहाँ नॉक किया जा चुका है, हंटर भी यहाँ नॉक हो चुके हैं। डेथ एरो बेचारे फिनिश ऑफ हो जाएंगे अगर उन्हें जल्दी टच नहीं किया, वो ब्लीड आउट हो रहे होते 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 गाइस ओनली ऑन 1 HP उनको टच किया गया, नहीं बेचारे वो फिनिश ऑफ हो गए। कितना सैड मोमेंट था, उनकी टीम उनके ऊपर ही थी बट वो फिनिश ऑफ हो गए। जैसे हम किल फीड में देख सकते हैं सेल्वेशन किंग जो अच्छा फ्लैंक करने की कोशिश करते वो नॉक किए, लेकिन वो ट्रेड में नॉक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो हम देखना चाहेंगे ब्लैक इन्होंने उन्हें नॉक किया है, रेड आयरन यहाँ नॉक है, डार्क विशाल फिनिश ऑफ हो गए ब्लीड आउट होके। मैक्सिमस की टीम ने टीम नंबर 6 को बैकस्टेप कर ही दिया जैसा मैंने आपको कहा था एंड BRT अंकित यहाँ पे मार रहे हैं अकेले बंदे अपनी टीम के, वो कोशिश कर रहे हैं मारने की। यहाँ पे
सेल्वेशन किंग को फिनिश ऑफ कर दिया है ब्लैक इनो ने, ब्लैक इनो का किल सिक्योर हो चुका है, फ्यूरी साहिल ने आई गेस उन्हें फिनिश ऑफ किया होगा। एंड यहाँ मैक्सिमस की टीम ऊपर आ रही है, टीम नंबर 12 के ऊपर आ रही है, टीम नंबर 12 को पता ही नहीं कि मैक्सिमस की टीम भी उनके ऊपर है। यहाँ स्लेव सुनो अकेले बचे अपनी टीम के, टीम नंबर 6 के, क्या वो आगे कैरी कर पाएंगे अपनी टीम को, हम देखना चाहेंगे। गाइस यहाँ ये एयर ड्रॉप नंबर 3 आ चुका है जो पूरे अलग ही दुनिया में है, पानियों में है, वो कोई जाएगा ही नहीं लेने, जिसमें ओम आई है, लेवल 3 के गेयर्स है, एड्रेनलिन सिरिंज है एंड गिली सूट स्नो वाला है। गाइस ये अमेजिंग गिली सूट है बट सैडली किसी को मिल नहीं सकता। एयर ड्रॉप नंबर 4 गाइस, टीम नंबर 7 को यहाँ 3 फ्लेयर ड्रॉप मिली है गाइस, विच इज़ वेरी नाइस कि अगर आपको 3 फ्लेयर ड्रॉप मिल जाए। आई गेस DBS आया था क्योंकि यहाँ मुझे 12 गॉज की एमो दिखाई दे रही है, एंड पता नहीं मुझे और क्या आया था क्योंकि अब कोई तो लेके जा चुका है ऑलरेडी। यहाँ 3 फ्लेयर ड्रॉप्स गाइज, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, विच इज़ वेरी नाइस, विच इज़ वेरी अमेजिंग फॉर दिस टीम। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टीम नंबर 11 की तरफ एक बार वापस चलते गाइज, एकदम ये लोग एक दूसरे के पास में है, फर्स्ट जोन अभी क्लोज इन होना चालू हो चुका है, 36 पीपल आर अलाइव, 12 टीम्स आर अलाइव, 43 से हम स्टार्ट किए थे, सिर्फ 36 लोग बाकी है। मैक्सिमस की टीम फॉल बैक करिए, वो आई गेस अपना वो कार लेके आगे आने की कोशिश करिए, वो देखना चाहिए कि जोन कहाँ है और उन्हें कहाँ रश करना है। गेस गैस मैक्सिमस जूस को हम यहाँ देख सकते हैं, वो अपनी कार लेके अपनी टीम की तरफ जाएंगे और वो या तो आगे रश करेंगे नहीं तो वो सेफ जोन के लिए जाना प्रेफर करेंगे। या ब्लैकिनो की टीम है, इसलिए सोनू अपनी टीम के अकेले बचे हैं। मैक्सिमस ने यहाँ पे शॉट्स लेना स्टार्ट कर दिया, मैक्सिमस की टीम ने यहाँ कार 98 के शॉट्स लिए जा रहे हैं, यहाँ G36 चलाई जा रही है, G36 दोनों टीमों से चलाई जा रही है। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कार 98 विद सप्रेसर के शॉट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे भाई, टीम नंबर 11 दूर है, यहाँ पे बहुत दूर है ये एक दूसरे से। यहाँ रेड आयरन के ऊपर शॉट कनेक्ट हुआ है तो रेड आयरन हैज़ बिन डैमेज्ड। यहाँ पे टीम नंबर 11 को हम एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे कि क्या सीन है, क्या कोई विजिबल है या नहीं इन्हें, क्या ये ऐसे ही रैंडम स्प्रेस दे रही है कि वो निकल नहीं सकते हैं अपने घर से, या क्या इन्हें एक्चुअल कोई दिखाई दे रहा, हम देखना चाहेंगे। एंड वॉट एन अमेजिंग शॉट बाई मॉर्बिस, उन्होंने यहाँ पे नॉक कर दिया है एक बंदे को, मॉर्बिस का, येस आई वॉज राइट, मॉर्बिस ने यहाँ रेड आयरन को नॉक कर दिया कार 98 के हेडशॉट से, एंड दे आर ट्राइंग टू पुश इन नाउ। ये लोग अच्छे तरीके से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं बट आई गेस इनका फ्लैंक फेल हो चुका है, रेड आयरन बेचारे ब्लीड आउट हो जाएंगे, उनको कोई कवर नहीं देने आ रहा है। ज्यूस यहाँ बहुत ज़्यादा ही वो फ्लैंक अच्छे तरीके से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, रेड आयरन के ऊपर बंदे जा रहे हैं। नेक्स्ट राज हम यहाँ देख सकते हैं, इंद्रोनील को उन्होंने नॉक किया है, किल फीड में नाम आ रहा है। अब हम देखना चाहेंगे, अब जोन जैसे जैसे क्लोज इन हो रहा है वैसे वैसे फाइट हो रहा है। मैक्स पेन ने ब्लैक इनो को नॉक कर दिया है, रेड आयरन हैज़ बिन रिवाइव्ड उनके टीम से, एंड ब्लैक इनो बेचारे नॉक हो चुके हैं। फ्यूरी साहिल यहाँ पे मैक्सिमस के मॉर्बिस को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है बाई फ्यूरी साहिल, एंड यहाँ पे फ्यूरी साहिल पे रश होने की कोशिश हो रही है शायद। मैक्स पेन इज ट्राइंग टू रिवाइव हिज टीममेट एंड फ्यूरी साहिल यहाँ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यस गाइस फ्यूरी साहिल यहाँ निकले एंड मैक्स पेन ने यहाँ फ्यूरी साहिल को नॉक कर दिया, मॉर्बिस वापस से नॉक हो चुके हैं बेचारे अपनी टीम के। ब्लैक इनो हैज़ बिन रिवाइव्ड एंड फ्यूरी साहिल को फिनिश ऑफ ही किया जा चुका है पूरा अच्छे तरीके से, एंड स्ले सोनू यहाँ मैक्स पेन को नॉक कर दिए। वॉट एन अमेजिंग सिंगल टैप बाई ए के, बट यहाँ पे इनका किल सिक्योर नहीं हो पाएगा स्ले सोनू का, मुझे ये तो गारंटी लग रहा है। मैक्स पेन का किल चोरी हो चुका है बेचारे, स्ले सोनू का किल ही चोरी हो गया यहाँ पे। मैक्सिमस ज्यूज यहाँ पे आए लेकिन वो अपनी टीममेट को बचा नहीं पाए, लॉस हो गया है। ब्लैक इनो इनके सामने है, ये क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं है। मॉर्बिस बेचारे यहाँ फिनिश ऑफ हो जाएंगे अगर ये इन्हें जल्दी रिवाइव नहीं किए तो, एंड स्ले सोनू बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ नॉक करते हुए बट उनका किल कन्वर्ट नहीं हो पाया, सो विच इज़ वेरी सैड फॉर हिम राइट नाउ। वो सोलो बंदे अपनी टीम के अच्छे तरीके से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग और भी जगह जाके देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे बहुत सारी टीम्स एक दूसरे के बहुत पास में है। यहाँ पे टीम नंबर 19 इज क्लोजिंग इन ऑन टीम नंबर 3, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे क्या ये फाइट होता है। यस गाइज यहाँ पे डेथ मैवरिक नॉक हो चुके हैं, मिस्ट कॉइल स्ट्रॉम शीरा यहाँ नॉक हो चुके हैं गाइज, इन्होंने तो टीम नंबर 3 को वाइप आउट ही कर दिया, बहुत ज़्यादा ही जल्दी वाइप आउट किया। मिस्ट कॉइल यहाँ पे अपने टीम में डेथ मैवरिक को रिवाइव कर रहे हैं, ये तो घुसे मारे और अब फिर निकल जाएंगे गाइज। यहाँ एक और नहीं गाइज आई वाज राइट, ये ड्रॉप नंबर 4 ही है, इन्होंने कार ब्लास्ट करके कवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए। यहाँ पे गाइज ओनली 11 टीम्स आर अलाइव, 30 पीपल आर अलाइव,
सब जोन में आ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, जोन एकदम क्लोज है। ब्लैक इनो बेचारे अकेले बचे अपनी टीम के एक किल के साथ, यहाँ पे स्ले सुनो अपनी टीम के सिंगल बंदे बचे हैं, मैक्सिमस के तीन बंदे बचे हैं। वो क्या वो क्लच कर पाएंगे, क्या वो दोनों टीमों को ले पाएंगे, या वो वहाँ फिनिश ऑफ हो जाएंगे, वो हम देखना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लैक इनो इज टेकिंग शॉट्स, ब्लैक इनो बेचारे वाइप आउट हो गए मैक्सिमस जी उससे। ही ट्राइड टू कनेक्ट सम शॉट्स बट वो कर नहीं पाया एंड ही हैज़ बिन वाइप्ड आउट फ्रॉम द टीम। स्ले सुनो यहाँ वो तो अपनी लोकेशन ही नहीं देना चाहेंगे, वो तो बोलेंगे भाई मैं कैंप करूँगा पूरा, मुझे तो यहाँ कुछ करना ही नहीं है, आप लोग ही लड़ो, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, मुझे फ्री के यहाँ पे मैं चाहूँगा प्लेसमेंट में जाने की कोशिश करूँगा, मुझे यहाँ इतने अर्ली स्टेज पर नहीं निकलना। 14 टीम्स थी गाइस, 10 टीम्स हो चुकी है, 29 पीपल आर अलाइव। हम देखना चाहेंगे कि क्या होता है। अरे जूम आउट हो भाई। यस गाइज यहाँ एक और एयर ड्रॉप आ चुका है गाइज, एयर ड्रॉप नंबर 6 आ चुका है। आई गेस किसी ने वापस यहाँ फ्लेयर बुलाया था गाइज, फ्लेयर पे फ्लेयर बुलाए जा रहे हैं लोग तो यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी फ्लेयर कहाँ से मिल रही है लोगों को, बट ठीक है गाइज यहाँ एयर ड्रॉप नंबर 6 आ चुका है। हम देखना चाहेंगे एयर ड्रॉप नंबर 6 में क्या आया है। ऑग 83 विथ 5.56 टैक्टिकल स्टॉक मिलिट्री वेस्ट लेवल 3, पूरे लेवल 3 के गियर्स ही है एंड मेडकिट है एक बड़ा एंड गिली सूट स्नो, फिर से गिली सूट गाइज। अगर आपको गिली सूट मिल जाए तो आपका बहुत ज़्यादा ही वो एडवांटेजियस होता है आपके लिए। यहाँ पे एक और गिली सूट आया है। स्ले सोनू की टीम अब जोन के बाहर हो चुकी है, टीम नंबर 21 जोन में घुस चुकी है। दो टीम, टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 6 आर ओनली आउट ऑफ द जोन, बाकी सब टीम जोन के अंदर। टीम नंबर 13 भी जोन के बाहर है लेकिन बहुत क्लोज है तो वो घुस जाएगी जोन के अंदर। यहाँ टीम नंबर 21 यहाँ पे ड्रॉप लूटने आई थी एंड उन्होंने ड्रॉप लेके यहाँ से वो निकल चुके हैं। नेक्सस की टीम है, हम देख सकते हैं नेक्सस की टीम यहाँ पे शुभम मुंद्रा को हम देख रहे हैं, वो यहाँ पे ड्रॉप लेके निकल चुकी है। आई गेस उनके पास कोई नहीं है फाइट लेने के लिए। हैज अ पीपी बाइजन विथ M762 लेवल 2 की हेलमेट है, लेवल 3 के वेस्ट है। पीपी बाइजन विथ 3x विच इज़ नाइस, 15 बैंडेजेस, 4 मेडकिट, फर्स्ट एड किट, आई एम सॉरी 4 फर्स्ट एड किट, 2 एनर्जी ड्रिंक, 3 पेन किलर्स, 0 किल्स हैं इनकी टीम की। नेक्स्ट राज हम देखे थे वो नॉक किए थे बट उनका किल सिक्योर नहीं हो पाया। टीम नंबर 20 के पास टीम नंबर 7 है यहाँ पे, ये अभी ये आई है यहाँ पे कॉस्मोड्रोम की तरफ एंड कॉस्मोड्रोम में तो ऑलरेडी वो लूट के जा चुके हैं अपने 3 फ्लेयर को, कौन छोड़ेगा भाई, 3 फ्लेयर मंगाया गया था, कोई यहाँ पे अपना ड्रॉप नहीं छोड़ना है। टीम नंबर 4 इज क्लोज टू टीम नंबर 20 एंड दे हैव नो आइडिया, ये यहाँ पे बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ टीम नंबर 7 इज क्लोजेस्ट टू देम। अरे छोड़ दे भाई गाड़ी वाले, नूब है नूब है। मिकी एक्स वाई जेड की यहाँ मुझे आवाज़ आ रही है गाइज, हम देखना चाहेंगे मिकी एक्स वाई जेड को। यहाँ टीम नंबर 7 यहाँ पे गाइज फायर ले रही है, वो आई गेस उन्होंने इसलिए सोनू को फिनिश ऑफ कर दिया है यहाँ पे। यस गाइज इसलिए सोनू वॉज फिनिश्ड ऑफ, बेचारे अकेले बचे थे अपनी टीम के एंड वो भी अब फिनिश ऑफ हो चुके हैं, अब उन्हें क्या ही बोल सकते हैं। टीम नंबर 13 वर्सेस टीम नंबर 21 होने वाला है, टीम नंबर 13 के सामने ही टीम नंबर 21 है, हम देखना चाहेंगे। टीम नंबर 21 पे शॉट्स लिए जा रहे हैं, टीम नंबर 19 भी हम यहाँ देख सकते हैं शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है शायद कोई टीम के पास, इनके पास मुझे कोई दिख नहीं रहा। टीम नंबर 21 हम यहाँ देखना चाहेंगे, यहाँ पे टीम नंबर 21 यहाँ शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अनुज पोद्दार है, शुभम मुंद्रा है, हम देखना चाहेंगे क्या इनका शॉट्स कनेक्ट होता है। गाइज ये ग्लिच हो गया है, गन तो हवा में ही रह गई है उनकी, ये देखिए गाइज उनकी गन तो हवा में ही है, कैसा ग्लिच है पता नहीं। टीम नंबर 13 इज रशिंग एंड ऑन टीम नंबर 21 नाउ, वो पूरे स्प्रेड होकर रश कर रहे हैं। यहाँ नेक्सस राज हम देख सकते हैं स्मोक होल बना के कोशिश कर रहे हैं वो जाने की, यानी यहाँ मार्वल कार्नेज यहाँ पे पूरे वो फ्लैंक ही कर रहे हैं एकदम अलग तरीके से, और शायद किसी को पता ही नहीं है क्योंकि नेक्स्ट रेड डेविल इज बिजी ऑन फाइटिंग विद इंद्रोनील एंड एफ के टट्टा फोड़ू को क्या अमेजिंग हेडशॉट मारा है नेक्स्ट रेड डेविल ने, उन्हें नॉक कर दिया है। इंद्रोनील बहुत आगे आ गए मार्वल के कारने जो उनके बहुत पास में है, नेक्स्ट रेड डेविल को पता ही नहीं था ये बात आने हिल भी एंड वो बहुत ही लकी यहाँ से बच के निकले हैं, बट वो उन्हें मेड लगाना चाहिए था, बच्चों से गलत डिसीजन, वो मेड क्यों नहीं लगा और वो फ्लैंक क्यों कर दी मुझे पता नहीं। इंद्रोनील यहाँ पे अब इन पे रश मार देंगे, इनकी टीम को यहाँ बैकअप देना चाहिए, इनकी टीम आ नहीं पा रही आगे मुझे पता नहीं क्यों। यहाँ पे कार्नेज ने, शुभम मुंद्रा ने कार्नेज को यहाँ नॉक कर दिया, इंद्रोनील लास्ट बचे अपनी टीम के, टट्टा फोड़ू हैज़ बिन नॉकड आउट, कार्नेज हैज़ बिन नॉकड आउट, इंद्रोनील लास्ट है, नेक्स्ट रेड डेविल यहाँ पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी टीम को जल्दी आगे आना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे अपने टीममेट को बचा ले और वो यहाँ पे अपना
किल सिक्योर कर ले और उस कोड को ही वाइप आउट कर दे। रेड डेविल का किल आ चुका है, इंद्रोनील को अब अमेजिंग तरीके से अनुज ने मार दिया है बहुत दूर से, आई गेस एकेएम का सिंगल टैप मारा था तो उन्हें मार के फिनिश ऑफ किया जा चुका है। टीम नंबर 17 हैज़ बिन वाइप्ड आउट फ्रॉम द गेम गाइज, टीम नंबर 13 आई एम सॉरी टीम नंबर 13 हैज़ बिन वाइप्ड आउट, एयर ड्रॉप नंबर 7 आ चुका है गाइज विच इज़ अगेन नियर टीम नंबर 7 गाइज, ये टीम नंबर 7 के पास बहुत एयर ड्रॉप्स आ रही है। ये यहाँ पे पहले आई गेस इन्होंने यहाँ पे 3 फ्लेयर मंगाया था, अब उन पे ड्रॉप आ गई है और ऑग 83 विथ 4x लेवल 3 के गियर्स 5.56 गाइस, अमेजिंग लूट फिर से आ चुकी है ड्रॉप में। कोई अगर ड्रॉप लेगी तो कोई अगर गाइस यहाँ पे अगर कोई ड्रॉप्स लेके ही गेम सब खेल ले तो उन्हें कितना एडवांटेजियस होगा, क्योंकि ड्रॉप के गन की डैमेजेस हम जानते हैं गाइस बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होती है वो सारी गन्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं रजत देव की टीम गाइस वो पूरी कैंप ही कर रही है, वो एकदम अलग ही है, वो फाइट ही नहीं ले रही है किसी से। यहाँ हम देख सकते हैं टीम नंबर 20 इज समवेयर नियरिंग रीचिंग नियर टीम नंबर 8 ब्रिज के पास आई है। यहाँ पे टीम नंबर 8 इज ऑलमोस्ट नियर देम, उन्हें पता ही नहीं है यहाँ पे चारों बंदे इनके अलाइव है। टीम नंबर 8 डेथ की टीम है, वो एकदम सेफ खेलने की कोशिश कर रही है। टीम नंबर 21 जो अभी जोन के बाहर है उन्हें जल्दी जोन में आना चाहिए, यहाँ एयर ड्रॉप नंबर 6 के पास है वो। यहाँ पे रेड डेविल ने बहुत अमेजिंग तरीके से नॉक किया है, एंड यहाँ टीम नंबर 20 बेचारे वो टीम्स के ऊपर वो घुसे ही जा रहे हैं। यहाँ पे टीम नंबर 9 इज ऑलरेडी वेटिंग इन दिस एरिया, एंड यहाँ पे वो अच्छा कॉल था उनका, वो अंदर घुसे नहीं, वो रोटेट कर लिए अपनी कार को गाइस जोन बहुत ज़्यादा। अब ये टीम नंबर 9 के पास जा रही है, अब ये टीम या तो यहाँ ओपन में रुकेगी या फिर कुछ होगा, एंड मिस फायर बाय सुपरनोवा, अब उनकी लोकेशन रिवील हो चुकी है गाइस। ये गाड़ी मुझे इतनी पसंद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाती है ये गाड़ी, और इस गाड़ी को क्या ही तो बोलूँ गाइस, ये मुझे तो एकदम ही कंट्रोल में नहीं आती है मेरे से, तो इसीलिए मैं ये गाड़ी तो लेके खेलना ही नहीं प्रेफर करता हूँ। यहाँ अध्यान शॉट्स ले रहे हैं, टीम नंबर 19 का अब शॉट्स आ रहा है इनके ऊपर, अब ये रश करने चाहेंगे टीम नंबर 19 के ऊपर। टीम नंबर 19 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यस M416 है रेड 4X सूडो के पास, उन्होंने यहाँ बंदों को बुलाया है, टीम नंबर 20 को अपने ऊपर बुलाया है गाइस। 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 टीम जोन के बाहर है, 3 टीम्स जोन के अंदर है, सब अंदर आना चाहेंगे, फटाफट आना चाहेंगे। यहाँ पे टीम नंबर 19 इज ट्राइंग टू पुश राइट नाउ ऑन टीम नंबर 20, हम देखना चाहेंगे क्या वो पुश करती है या वो सेफ और होना चाहती है, देखना चाहेंगे क्या होता है। टीम नंबर 20 के डार्वी को हम यहाँ देख सकते हैं, वो लोग उन लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉप ले लिया है, वो रिजेस के नीचे है, वो लो ग्राउंड का उन्हें डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि एडवांटेज तो आप सिर्फ हाई ग्राउंड का ले पाते हो, अगर हाई ग्राउंड हो तो ही एडवांटेज होता है। टीम नंबर 9 वर्सेस टीम नंबर 19 हो सकता है, यहाँ बहुत क्लोज आ चुकी है ये टीम, एंड रजत देव को यहाँ नॉक किया जा चुका है बाय मिस्ड कॉल, अमेजिंग स्प्रे बाय मिस्ड कॉल रजत देव को, डेथ फॉर मैवरिक ने यहाँ फिर फिनिश ऑफ कर दिया। रूप सेन ने यहाँ बहुत अच्छा शॉट्स लिया, कनेक्ट किया, GD हेडसूस को यहाँ पे बहुत ही लो HP पे छोड़ दिया, मिस्ड कॉल को भी यहाँ टैग दिया है। सो मंडल यहाँ हम देख सकते हो घर के अंदर है, रूपसेन यहाँ रोटेट कर रहे हैं, एंड व्हाट एन अमेजिंग मॉली बाय डेथ फॉर मैवरिक, डेथ मैवरिक आई एम सॉरी डेथ फॉर मैवरिक बोल दिया मैंने उनको, डेथ मैवरिक। रूपसेन की टीम रूपसेन यहाँ अंदर हो चुके हैं, वो फाइटिंग नहीं दे रहे, अब यहाँ पर डेथ मैवरिक टोटल जो टीम नंबर 19 है उन्हें अंदर यहाँ रश करना होगा। रेड 4X सूडो को क्या अमेजिंग नेड से नॉक किया है शुभम मंडल ने, व्हाट एन अमेजिंग नेड बाय दिस टीम, दिस पीपल आर यहाँ पे। ओ गाइस यहाँ पे दो टीमों का रश हो चुका है, टीम नंबर 19 पे, टीम नंबर 9 पे, टीम नंबर 19 एंड टीम नंबर 11 का रश है इन पे, वो बचने की कोशिश कर रही है गाइस। सब टीम्स अब एकदम जोन के अंदर है, टीम नंबर 21 यहाँ देख सकते हैं फिर शॉट्स लेने की कोशिश कर रही है, डी कैफ 22 बेचारे जोन से ही फिनिश ऑफ हो गए हैं नॉक होके। यहाँ हम देख सकते हैं नेक्स्ट करण ने यहाँ पे नॉक किया टीम नंबर 19, टीम नंबर 20 इज नाउ फाइटिंग विद टीम नंबर 19, वो बैकस्टैब कर रही है टीम नंबर 19 को यहाँ पे, नेक्स्ट करण का एक किल सिक्योर करवा दिया है, एंड यहाँ हम देख सकते हैं ये सॉरी गाइस ये कुछ ग्लिच हो गया गेम का, हम दूसरे बंदे की तरफ जाना चाहेंगे। यस गाइस इनका कुछ ग्लिच हो गया, स्कोप खोल ले तो इनका कुछ ग्लिच हो चुका है, ये पता नहीं गाइज इस गेम में बहुत सारी ग्लिचेज हैं। इनके पास एक नेड है बाय टीम नंबर 19, व्हिच वाज एन अमेजिंग नेड बाय टीम नंबर 19, तो बहुत ही अच्छा कॉल था वो नेड का। नेक्स्ट करंट को यहाँ बैंडेजेस लगा लेना चाहिए, उनका हेल्थ कम है, यस ही इज टेकिंग पेन किलर्स राइट नाउ, वो यहाँ पे अपने आप को हेल्थ अप करेंगे। रेड 4X सूडो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइज है कि मुझे आवाज़ आ रही है, टीम नंबर 21 के पास यहाँ शॉट्स चल रही है, हंटर बेचारे जोन से नॉक होके
फिनिश ऑफ हो जाएंगे। यहाँ शुभम मुंद्रा को हम देख सकते हैं, शॉट सुनाई दी थी, हंटर हैज़ बिन फिनिश्ड ऑफ। यस एज आई सेड, बीआरटी अंकित बेचारे उनकी पूरी टीम टीम नंबर 4 बेचारी जोन से ही फिनिश ऑफ हो गई है, विच इज़ वेरी सैड। सुपरनोवा को यहाँ पे नॉक किया गया है, नेक्स्ट राज को यहाँ नॉक किया गया है। डार्वी का अमेजिंग कवर भाई, शुभम मुंद्रा यहाँ अपनी टीम के लिए स्मोक बनाने की कोशिश, स्मोक होल बनाने की कोशिश कर रही है। टीम नंबर 7 यहाँ पे रश कर रही है, अब सैमी मिकी एक्स वाई जेड अब वो रश करेगी। यहाँ पे दो बंदे डाउन है, नेक्स्ट रेड डेविल को भी रिवाइव कर देना चाहिए, बट अब इनका रश हो चुका है टीम नंबर 7 का। यहाँ पे अमेजिंग मॉली कनेक्ट हो जाता तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे हम देखना चाहेंगे टीम नंबर 7 को फटाफट का अमेजिंग तरीके से पुश कर रही है। मिकीज को यहाँ, मिकी एक्स वाई जेड को यहाँ नॉक किया जा चुका है। डार्वी में यहाँ देख सकते हैं किल लिए है, अपना सिक्योर कर चुके हैं। मिक्सड कॉल को यहाँ मारा जा चुका है भाई रूप्स एंड। यहाँ पे गए सैमी को हम यहाँ पे देख रहे हैं, सैमी के अलग टीममेट्स पे हम जाना चाहेंगे। सियान अंकल के पास M249 था, बट शुभम मुंद्रा ने अमेजिंग नॉक करके उन्हें फिनिश ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, बट नहीं आई एम सॉरी गाइस, गेम लागू किया था। सैमी अकेले बचे अपनी टीम के, एकदम लो एचपी पे है वो। यहाँ हम देखना चाहेंगे नेक्सस की टीम का क्या हालत है, क्या दो बंदे नॉक्ड है, एक बंदे नॉक्ड है, हम देखना चाहेंगे कि क्या हालत है। यहाँ दो बंदे नॉक्ड है, नेक्स्ट राज एंड अनुज पोदर। नेक्स्ट राज बेचारे ब्लीड आउट हो जाएंगे और उन्हें बचाया नहीं गया, सियाना अंकल का किल उन्हें मिल चुका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सियाना अंकल को उठाया जा रहा है भाई सैमी, सैमी के खुद के पास कुछ हेल्थ नहीं है। अगर टीम नंबर 21 अभी नीचे उतर जाती तो यहाँ पूरी स्क्वाड ही वाइप आउट हो जाती टीम नंबर 7 की, बट वो उतरे नहीं, आई गेस उन्हें लगा वो सेफ नहीं होगा उतरना। हम टीम नंबर 20 के पास एक बार चलते हैं, वहाँ पर मुझे शॉट दिख रही है। नेक्स्ट करण का ग्लिच हो चुका है, हम दूसरे बंदे को देखना चाहेंगे, डार्वी को देखना चाहेंगे हम यहाँ पे। शुभम मंडल अकेले बचे अपनी टीम के, टीम नंबर 9 के बेचारे नहीं नहीं आई एम सॉरी गाइस, दो जन बचे हैं। आई गेस शुभम मंडल इज नॉक्ड, यस गाइस आई वाज राइट, शुभम मंडल इज नॉक्ड। एंड यहाँ पे गाइस फाइट ही फाइट चली, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शॉट्स आ रही है कहाँ से नहीं। ये अमेजिंग नेड है, एंड व्हाट एन अमेजिंग नेड बाय सुपरनोवा, उन्होंने दो बंदों को यहाँ खा गए हैं एक साथ। व्हाट एन अमेजिंग नेड, बहुत ही अमेजिंग नेड कनेक्ट हुआ है यहाँ पे। एंड आज हमें कुछ मज़ा आ रहा है इस देखने में, हर जगह फाइट चल रही है, हम फटाफट रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर टीमों को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज पुदार ने यहाँ सैमी को अमेजिंग तरीके से नॉक किया है, एंड सियाना अंकल को भी अनुज पुदार ने नॉक कर दिया है, सैमी को फिनिश ऑफ किया है। गाइस इनकी पूरी टीम ही फिनिश ऑफ हो चुकी है यहाँ पे। मिकी एक्स वाई जेड को भी यहाँ फिनिश ऑफ कर दिया है टीम नंबर 7, उन्हें उसी टाइम फिनिश ऑफ कर देते टीम नंबर 21, बट इट वॉज अ नाइस कॉल बाई टीम नंबर 21, वो अपने सारे बंदों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे थे एंड फिर फिनिश ऑफ किया। डेथ सुप्रीम यहाँ अकेले बचे अपनी टीम के, वो पूरा वो चाहेंगे कि ऐसे ही चिकन डिनर लिए पूरा कैंप करके, टोटल 2 ही टीम किल्स हैं उनके। तो डार्वी की टीम के ऊपर पूरा जोन बना है, अध्यान इज समवेयर नियर यहाँ पर डेथ सुप्रीम के, अध्यान या फ्लैंक कर रहे हैं अकेले, उन्हें पता नहीं है या गाइस उन्हें पता ही नहीं था यहाँ कोई उनका वेट कर रहा नहीं, हैज़ बिन फिनिश्ड ऑफ। ये तो पूरा अमेजिंग तरीके से इन्होंने डेथ सुप्रीम ने यहाँ बैकस्टैप कर दिया इनकी टीम को, उन्हें पता ही नहीं था यहाँ कौन है कौन नहीं है। डार्वी की पूरी टीम स्प्लिट हो रखी है, उन्हें पास आना होगा। नेक्स्ट करण हम यहाँ देख सकते हैं शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑन टीम नेक्सस, नेक्स्ट रेड डेविल गाइस इनका कुछ ग्लिच हो गया, आई एम सॉरी, हम ये हमें क्या दिखा रहा है ये पता ही नहीं मुझे कहाँ ले गए ये। नेक्सस के करण, डार्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहेंगे, नेक्सस के करण को नॉक किया जा चुका है बाय मैक्सिमस की टीम। मैक्सिमस यहाँ पे थर्ड पार्टी कर रही है, अब वो रश करने की कोशिश करे बट नहीं, वो रश नहीं किया, आई गेस उनके व्हीकल में पेट्रोल नहीं है, वो भरने की कोशिश कर रहे हैं। यस गाइस आई वाज राइट, दे आर रिफिलिंग देयर व्हीकल, उनके पास पेट्रोल नहीं था। चार टीम्स है गाइस, ओनली 10 पीपल आर अलाइव। यहाँ मैक्सिमस की टीम भी जोन में घुसने की कोशिश कर रही है, नेक्सस के करण को उठाया जा पाएगा या नहीं हम देखना चाहेंगे। डार्वी उनके बहुत क्लोज आ चुकी है, डार्वी को यहाँ टच कर देना चाहिए। यहाँ टीम नंबर 8 के डेथ सुप्रीम यहाँ पे है, वो शॉट्स लेंगे, वो यहाँ फिनिश ऑफ करना चाहेंगे। सुपरनोवा यहाँ गए हैं, सुपरनोवा किसी से फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरनोवा के सामने मैक्सिमस की टीम है, सुपरनोवा को आग लग चुका है, ही इज लिटरली ऑन हाफ एचपी गाइस, वो क्या अमेजिंग तरीके से भाग के निकले हाफ एचपी पे, यहाँ बहुत ही अमेजिंग था ये गाइस भाई। सुपरनोवा हाफ एचपी पे वो यहाँ आए हैं, डार्वी का कवर आ गया, डार्वी को पता ही नहीं उनके पीछे से कोई आ रहा है। डेथ सुप्रीम ने वापस नेक्स्ट करण को नॉक किया, टीम नंबर 11 इज रशिंग एंड ऑन टीम नंबर 20, यहाँ बेचारे टीम नंबर 20 फिनिश ऑफ हो जाएंगे। डार्वी को पता ही नहीं कि उनके पास कोई है, सुपरनोवा को फिनिश ऑफ किया गया, डार्वी को यहाँ देखे समझ में ही नहीं आ रहा है। डार्वी हैज़ ऑल्सो बिन फिनिश्ड ऑफ, टीम नंबर 20 को फिनिश ऑफ किया जा चुका है। टीम नंबर 21 वर्सेस टीम नंबर 11 वर्सेस टीम नंबर 8, तो ओवरऑल गाइज इट इज 3v3v1 का सिचुएशन है। अनुज पोदार को मैक्सिमस के जियोस ने नॉक किया है,
सिन यहाँ अच्छा शॉट लेने की कोशिश कर रहे थे, रेड डेविल का अच्छा स्प्रे था बट कनेक्ट नहीं हो पाया। ओम है रेड डेविल के पास, क्या वो लेके यहाँ पे फिनिश अप कर पाएंगे? यानी यहाँ पे रेड डेविल पे शॉट्स लिया गया था बाई ज्यूस अवेजक फ्लैंक। सिन यहाँ पे है, ज्यूस यहाँ पे है, टीम नंबर 21 के शुभम मुंद्रा को इनके पास आना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ कर पाए अपनी टीम के लिए। मॉर्फिस यहाँ पे रश कर चुके हैं एंड ये टीम एकदम क्लोज आ चुकी है, ये ग्रेनेड और ये टीम वाइप आउट हो जाएगी। गाइस यहाँ पे मॉर्फिस हम देख सकते हैं क्लोज आ चुकी है अपनी टीम के, आई एम सॉरी अपने ओपोनेंट की टीम के, टीम नंबर 21 के। मॉर्बिस को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अनुज पुदार हैज बीन रिवाइव्ड। नेक्सस की टीम यहाँ बहुत अमेजिंग तरीके से, डेथ सुप्रीम रेड डेविल के सामने है, वो अगर एक पीक लेंगे तो वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे मॉर्बिस को हम देख सकते हैं गाइज, नेक्स्ट रेड डेविल यहाँ आ रहे, कोशिश कर रहे हैं, ये मैक्सिमस की टीम से फिर डैमेज लिया उन्होंने, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आई गेस ये फंस चुके हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। शुभम मुंद्रा को हम देखना चाहेंगे एक बार कि क्या हो रहा है, उनके सामने ही बंदे हैं, वो शॉट नहीं ले रहे। वो अमेजिंग नेड बाय शुभम मुंद्रा, यहाँ अच्छा ट्राई किया है इन्होंने यार, मॉर्बिस को क्या अमेजिंग नॉक किया इन्होंने, व्हाट एन अमेजिंग नेड बाय शुभम मुंद्रा गाइज, मज़ा आ गया ये नेट देख के। एंड ये सेकेंड यहाँ पे मॉली थ्रो किया उन्होंने, क्या ये मॉली से मॉर्बिस यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे? एंड यहाँ नेक्स्ट रेड डेविल बेचारे बैकस्टैब हो गए यहाँ पे डेथ सुप्रीम से, उन्हें समझ भी नहीं आया कि उनके पास ऑलरेडी कोई बंदा बैठा है। डेथ सुप्रीम को यहाँ शुभम मुंद्रा ने फिनिश ऑफ कर दिया, वॉट एन अमेजिंग कवर बाई शुभम मुंद्रा टू हिज टीममेट। यहाँ मैक्सिमस के सिन आ रहे हैं, सिन को क्या अनुज पुदार मार पाएंगे? अनुज पुदार नेक्सस के रेड डेविल को सिन ने फिनिश ऑफ कर दिया है, अनुज पुदार यहाँ बचे हैं, शुभम मुंद्रा यहाँ बचे हैं, मॉर्बिस यहाँ फिनिश ऑफ हो जाएंगे। 2v2 का सिचुएशन है, ज्यूस के ऊपर ज्यूस ने यहाँ मॉली थ्रो किया बहुत अमेजिंग तरीके से बट कनेक्ट नहीं हो पाया। अनुज पुदार को पता ही नहीं उनके टीममेट बंदे कहाँ हैं और ज्यूस यहाँ नॉक हो जाएंगे। शुभम मुंद्रा अनफॉर्चुनेटली यहाँ नॉक हो गए, ज्यूस पे HP नहीं है, ज्यूस ड्रॉप शॉट मार रहे हैं, ज्यूस अगेन एंड अगेन ड्रॉप शॉट मार रहे हैं। अनुज पुदार क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर अनुज पुदार अच्छा कवर दे पाते तो ये टीम जीत जाती बट ज्यूस का अमेजिंग ड्रॉप शॉट्स एंड मैक्सिमस की टीम जीत चुकी है विद टोटल ऑफ 5-3-10-11 किल्स, चिकन डिनर ले चुके हैं उन्होंने। नेक्सस की टीम सेकेंड आई, अमेजिंग गेम प्ले 3-3-6-8 किल्स, नाइस गेम प्ले। राज अर्ली आई एम नॉट गोना से अर्ली स्टेजेस, वो मिड स्टेज पे ही फिनिश ऑफ होके वाइप आउट हो चुके थे, आई गेस एक और कवर होता तो इनके पास बहुत अच्छा होता। डेथ की टीम बहुत अच्छा, डेथ सुप्रीम ने अपनी टीम को ऊपर लेके आया, टोटल ऑफ 3 किल्स, थर्ड आए वो। नेक्सस B69, टीम नंबर B69 के जो सुपरनोवा है, अमेजिंग खेले, अमेजिंग ट्राई था, अध्ययन को तो पता ही नहीं था कि कोई उनके पीछे बैठा है, वो बेचारे फिनिश ऑफ हो गए बहुत जल्दी स्टेज पे ही, मतलब बहुत जल्दी उन्हें कवर ही नहीं मिल पाया थोड़ा सा भी। दे हैव अ टोटल ऑफ 5 किल्स फोर्थ पोजिशन पे, 4 किल्स आई एम सॉरी, फोर्थ पोजिशन पे ही वो टोटल ऑफ 4 किल्स। सियाना अंकल की टीम ओनली 1 किल फिफ्थ पोजिशन पे, सिक्स्थ पोजिशन पे शुभम मंडल की टीम विद 2 किल्स, सेवन्थ पोजिशन पे रेड 4x सूडो की टीम विद टोटल ऑफ 4 किल्स, 8th पोजीशन पे BRT अंकित जो बेचारी पूरी टीम ही जोन से फिनिश ऑफ हो गई थी विथ ओनली 2 किल्स, 9th पोजीशन पे मार्वल कार्नेज की टीम 0 किल्स, इंद्रनील की टीम 0 किल्स, 10th पे ब्रावो की टीम 0 किल्स, 11th पे ब्लैकिनो की टीम में टोटल ऑफ 3 किल्स एंड यहाँ पे 12th पोजीशन पे स्ट्रॉम शीरा की टीम में टोटल ऑफ 12 किल्स, 0 किल्स आई एम सॉरी मैं 12 बोल दिया बाई मिस्टेक, 0 किल्स। तो गाइज हम कल फिर मिलते हैं दूसरे मैप में, हमें मज़ा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। मेरी सोशल मीडिया हैंडल्स पूरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, प्लीज़ मुझे कनेक्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है। थैंक यू गाइज़।